तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद के 20 फोटोज़ रेडी करके रख देने। अगर ये 20 फोटोज़ आपके कोई ट्रेडिशनल लुक में रहेंगे, मतलब तो आपका जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस कोड रहेगा उसके ऊपर उस हिसाब से अगर ये 20 फोटोज़ रहेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब और भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे 20 फोटोज़ आपको रेडी करके रख देने। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पे शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो ये फ़ोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऊपर एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, तो ये ऑल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है वो सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज़ रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर अभी आपको टोटल 20 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको फोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है, ऐसे टोटल 20 फोटोज़ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से टोटल 20 फोटोज़ को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अभी वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो एक ओरिजिनल का ऑप्शन आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर सेंटर में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट हो जाने के बाद एकदम वीडियो के आपको एंड पॉइंट पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का फोटो आपको शो हो जाएगा, तो ये ब्लैक कलर के फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये जो ट्रेंड है इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और वहाँ से इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना। ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको आ जाएंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 रखना है, फेड इन और फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद वीडियो, उसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आपको टोटल 19 बीट ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे ही इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट बीट का टाइम है वो है 2.03, तो यहाँ पर 2.03 आने तक आपको इसे मूव करना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 2.03 आ चुका है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसमें एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट बीट ऐड हो चुकी है। सिमिलरली बची हुई 18 बीट्स भी आपको ऐसे ही ऐड करनी है। तो ये 18 बीट्स का जो टाइम है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सारे बीट को यहाँ पर ऐड कर देना है। सारे बीट ऐड हो जाने के बाद इस ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से 19 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद जैसे आप कोई भी फोटो को जूम करते हो वैसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करना है ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। अभी आप देख लो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, इसमें आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही होंगी। तो आपको क्या करना है, हर एक वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर अरेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्टिकल लाइन को क्लिक करना है, इसके बाद फर्स्ट फोटो को आपको उस पॉइंट तक ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद सेकंड फोटो को, सेकंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकंड फोटो को, ऐसे आपको हर एक लाइन तक हर एक फोटो को एडजस्ट करके ले लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे फोटो को सारे लाइन तक अरेंज कर लिया, लेकिन लास्ट वाले फोटो के लिए ऊपर आपको कोई भी लाइन शो नहीं हो रही। तो आपको करना क्या है, ऑडियो का बार जिस पॉइंट पर एंड हो रहा है उस पॉइंट तक उस फोटो को ड्रैग करके ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको इसे जहाँ पर ऑडियो का बार एंड हो रहा है उस पॉइंट तक ड्रैग करके ले लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पे आना है। अभी जो फर्स्ट आपका फोटो रहेगा, तो फर्स्ट मतलब कोई भी दो फोटो के बीच में आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ब्लैक का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये ब्लैक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो है ये 80% रेडी हो चुका है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना
उठना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये वाले एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फ़िल्टर की लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको करना है स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पर आपको एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, एक सिम्बॉल दिखेगा, उसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाइट हो चुका है, तो इस तरीके से इसे सेव कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है, मतलब वो भी इंस्टाग्राम का ही एप्लीकेशन था लेकिन वो सेव करके उसे क्लोज करना है। फिर से आपको इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपको नीचे आपका जो प्रोफाइल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक रील का ऑप्शन दिखेगा, रील के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मोबाइल का कैमरा शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट करके रखा था उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वीडियो को आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले लेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरीके से आपके मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक देख सकते हो एक 3 स्टार का ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर पे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ही आपको जो इफेक्ट आपने वहाँ पर सेव किया था वो इफेक्ट शो हो रहा है, तो इस इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी आपने वीडियो बनाया था उसके ऊपर ये जो इफेक्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो रील है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कैप्शन वगैरह आपको डालना है तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने बना हुआ जो वीडियो है ये आपके एज अ रील आपके इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।